नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ फिर से एक नई वीडियो में कैसियो को लेकर। तो दोस्तों, मेरे को पता है कि मैंने इससे भी पहले एक वीडियो अपलोड की थी इसे फंक्शंस के बारे पे, लेकिन दोस्तों मेरे से गलती ये हो गई थी क्योंकि मैंने उसका साउंड चेक नहीं किया था और उसमें जो पियानो की आवाज़ थी वो करेक्ट नहीं आ रही थी। तो मुझे कमेंट आया कि आपने वीडियो नहीं देखी है और उसमें हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, मैं फिर से ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसमें मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ से शुरू से बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे है मेरे पास रोलैंड EX20 का अरेंजर कीबोर्ड। दोस्तों, अरेंजर मतलब होता है कि आप उसको किसी भी तरह से अपने हिसाब से वो कीबोर्ड को चेंज कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल तो इसे हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, मिड रेंज में ये आपको ख़रीदने को मिल जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये चाहिए है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले बता देता हूँ, यहाँ पे मिल जाएगा आपको एकदम सुंदर सा दोस्तों, एकदम स्मूथ पिच बेंडर। और दोस्तों, आपको मिल जाएंगी यहाँ पे 64 कीज़ जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मिल जाएगा आपको एक रोटेटर व्हीलर जो आपकी वॉइस को चेंज करता रहेगा आपके हिसाब से। और दोस्तों, यहाँ पे मिल जाएगी आपको डिस्प्ले स्क्रीन और यहाँ पे 140 सॉन्ग्स की जानकारियाँ, 253 स्टाइल्स और यहाँ मिल जाएंगे 656 वॉइसेस और भी सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका 12 वोल्ट का चार्जर लगता है। यहाँ पे आप अपने मतलब लेफ्ट मोनो स्पीकर भी लगा सकते हैं दो, यहाँ पे आप फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं, सस्टेन पैडल भी लगा सकते हैं और USB भी लगा सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हमें मिल जाता है एक वॉल्यूम का ऑप्शन, दो बड़े स्पीकर, यहाँ मिल जाते हैं कुछ नंबरिंग, अप एंड डाउन का ऑप्शन, डेमो का ऑप्शन, सॉन्ग का ऑप्शन, स्टाइल, वॉइस मिक्सचर, मेट्रोनोम, पियानो, हारमोनी, OTS, ये बैंक्स हैं। ये दोस्तों स्टोर और यहाँ बैंक आपको कुछ मिल जाते हैं। ये कॉर्ड का बटन आपको मिल जाता है, ये फेड और फिले फिल बी इंट्रो एंडिंग और ये स्टार्ट और स्टॉप और ये सेंस स्टार्ट। दोस्तों, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, फेड का ऑप्शन किसी कीबोर्ड में नहीं है इतनी मिड रेंज में जितना हमें रोलैंड EX20 दे रहा है। तो दोस्तों, चलते हैं, अब चालू करते हैं कीबोर्ड। दोस्तों, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा हिल रहा है क्योंकि मैं एक हाथ से शूटिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चालू हो चुका है और आपकी स्क्रीन में यहाँ पे दिख जाता है कि यहाँ पे ग्रैंड पियानो है। दोस्तों, दूसरी बात सबसे अच्छी पियानो की ये है कि दोस्तों यहाँ पे आपको शिफ्ट के बटन के साथ सस्टेन मिलता है। दोस्तों, सस्टेन का ऑप्शन, दोस्तों सस्टेन पैडल और किसी कीबोर्ड में नहीं है, आप चाहे कोई भी कीबोर्ड चेक कर लीजिए, किसी में नहीं है उतना अच्छा ऑप्शन सस्टेन। दोस्तों, सस्टेन पैडल दूसरों को खरीदना पड़ता है फिर लगाना पड़ता है, लेकिन दोस्तों ये कीबोर्ड हमें सस्टेन ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ सस्टेन ऑप्शन का यहाँ पे करके। दोस्तों, मैंने यहाँ शिफ्ट दबाया और दोस्तों यहाँ OTS है तो मैं यहाँ पे OTS दबा देता हूँ। ये दोस्तों, ये सॉरी हारमोनी आपको यहाँ पे दिख रहा है ना। दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए पहले कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे ये रहा दोस्तों, ये देखिए सस्टेन का ऑप्शन आपको यहाँ शायद अच्छे से नहीं दिख रहा हो, लेकिन यहाँ पे सस्टेन का ऑप्शन है और जो लाइट थोड़ा ज़्यादा पड़ रही है, सॉरी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अब सस्टेन का ऑप्शन मैं यहाँ चालू कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। दोस्तों, एक मिनट, मैं इसे आपको चालू करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सस्टेन का ऑप्शन चालू हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सस्टेन का ऑप्शन चालू हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए व्हील भी इतने अच्छे से काम करता है, आपको 656 पूरी वॉइसेस मिल जाती है देखने को। दोस्तों, यहाँ पे आपको डायरेक्ट पियानो मिल जाएगा, हारमोनी मिल जाएगा, टच का ऑप्शन मिल जाएगा, 8 बैंक मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग का ऑप्शन, स्टोर का ऑप्शन, सस्टेन का ऑप्शन, फंक्शन का ऑप्शन और डिस्प्ले का ऑप्शन और प्ले का, डुअल का, लोअर ऑप्शन, डिस्प्ले का ऑप्शन, यहाँ स्टार्ट, फिले, फिल बी का ऑप्शन, यहाँ ऑक्टेव का ऑप्शन, ट्रांसपोज का ऑप्शन, लेफ्ट एंड राइट और लेसन का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। दोस्तों, ये इसलिए दिया हुआ है, यहाँ पे अगर हम लोग अपना SFX किट यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, इसमें सिक्स, एक मिनट दोस्तों मैं निकाल लूँ। दोस्तों, यहाँ पे 656 में एक SFX किट दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे ये किट
इसी को दर्शाता है कि हम लोग कौन सी बटन दबाएंगे तो क्या बजेगा। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पे ये बजा अच्छे से। दोस्तों अब मैं आपको कुछ पियानो के और भी फंक्शन बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे शुरू करते हैं, आज का स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसकी रिदम कैसी है। तो रिदम का ऑप्शन इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो रिदम के ऑप्शन इसमें काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे स्टाइल्स भी दिए हुए हैं रिदम के, मैं आपको एक एक करके सुना देता हूँ। दोस्तों इसमें गरबा भी है, तो एक बार गरबा भी में भी आप नज़र डाल लीजिए। दोस्तों गरबा में भी एक बार नज़र डालना ही पड़ेगा हमें। दोस्तों ये रहा गरबा। दोस्तों अब देख लेते हैं कि ये फिले और फिल्बी क्या करता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने सेट कर लिया आपको दिखाने के लिए, फिले फिल्बी का अच्छा एक एग्जांपल है। ये देखिए मैंने यहाँ चालू किया ये, और दोस्तों जब मैं फिल ए को दबाता हूँ तो देखिए कैसा साउंड आएगा। दोस्तों अब फिल बी को दबाने के बाद देखते हैं अब कैसा साउंड आता है। दोस्तों आपको ऐसा साउंड देखने को मिल जाता है। दोस्तों अब देखिए ये मैं ऑप्शन दबाने वाला हूँ कॉर्ड। दोस्तों कॉर्ड को दबाने के बाद ये देखिए यहाँ पे ए बी सी करके एक लाइन आ गई है। तो दोस्तों जब मैं कोई भी कॉर्ड दबाऊंगा, जैसे मैं दोस्तों अब मैं दबाने वाला हूँ जी माइनर, तो दोस्तों जी माइनर में जैसे दबाऊंगा उस हिसाब से रिदम चेंज हो जाएगी। दोस्तों अब मैं दबाने वाला हूँ एफ शार्प, तो उसके हिसाब से भी रिदम चेंज हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों ये था कॉर्ड का ऑप्शन। अब दोस्तों यहाँ पे बैंक आपको मिल जाते हैं, आप अपने हिसाब से वो सेट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पे डायरेक्ट पियानो का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ आपको वॉइस मिल जाती है, स्टाइल मिल जाती है, सॉन्ग भी मिल जाते हैं आपको यहाँ पे देखने को, और डेमो सॉन्ग्स भी मिल जाते हैं। यहाँ पे आप लेसन सीख भी सकते हैं, ट्रांसपोज, ऑक्टेव, फंक्शन, सस्टेन, टच, डिस्प्ले, सारे आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख जाते हैं। तो दोस्तों अब मैं दिखा देता हूँ कुछ आपको बजा के, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सेट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे, ये था कुछ आपके लिए दिखाने को। अब मैं आपको सिंपल इसकी आवाज सुना देता हूँ बिना रिदम के।
दोस्तों ये था आपके लिए कुछ डेमो। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास सॉन्ग भी कैसे, हमें यहाँ पे दिखा देते हैं सॉन्ग सुना के। दोस्तों ये पहला सॉन्ग, दोस्तों मैं आपको सॉन्ग यहाँ पे 140 सॉन्ग से मैं आपको यहाँ कुछ सारा कुछ बहुत सॉन्ग सुना देता हूँ। दोस्तों ये है सॉन्ग हमारे। दोस्तों अब कुछ वॉइसेस की तरफ नजर डालते हैं। दोस्तों ये है फ्लूट, अब दोस्तों फ्लूट टू। दोस्तों अब चलते हैं विसल की ओर, तो विसल उतना कुछ खास नहीं है। लीड दोस्तों, दोस्तों ये था लीड। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक हाथ से थोड़ा कंट्रोल करते नहीं बना दोस्तों, प्लीज वीडियो को भी डिसलाइक मत कर दीजिएगा। दोस्तों अब चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों उसमें काफ़ी सारे वर्जन आपको मिलेंगे, मैं आपको मेन मेन सुना देता हूँ। जैसे हो गया यहाँ पे हमारे पास हो गया ट्रम्पेट 210। दोस्तों ट्रम्पेट सुन लीजिए, ट्रम्पेट। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, दोस्तों यहाँ पे मैं आपको स्ट्रिंग्स सुना देता हूँ। स्ट्रिंग्स भी इसकी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। दोस्तों ये थे स्ट्रिंग्स, और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। और दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 260 तक टेम्पो जा सकता है इसका। दोस्तों स्पीकर भी इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों मैं अगर आपको ख़रीदना हो तो दोस्तों यही कीबोर्ड खरीदेगा। दोस्तों इसकी कीज़ इतनी स्मूथ है ना, मैं यामाहा का गारंटी दे सकता हूँ, यामाहा भी गारंटी कीज़ नहीं देता है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास यामाहा का कीबोर्ड था और मैंने उसमें उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं किया जितना मैंने अभी रोलैंड में किया है। तो दोस्तों ये आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता है, 16,000 का दोस्तों पड़ जाता है आपको ये कीबोर्ड। और दोस्तों इसकी क्वालिटी इतनी धांसू है और इतनी अच्छी है कि दोस्तों मेरे ख्याल से और कोई कीबोर्ड इतना मिड रेंज में इसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो दोस्तों बस इतने ही आज के लिए। दोस्तों मेरी वीडियो को बिना लाइक ये मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल में अगर आप नए हैं। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसमें सेकंड पार्ट बनाऊं और कुछ गाने वाले वीडियो बनाऊं, दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए कि नहीं। और दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, ताकि दोस्तों मैं नए नई वीडियो लाता रहूं। दोस्तों क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे इसलिए थोड़ा वीडियो आने में लेट हो गई, लेकिन दोस्तों फिर भी कोई बात नहीं, मुझे पता है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर देंगे दोस्तों। और मैं जल्दी लाने वाला हूँ एक गिव अवे, तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ताकि आपको वो पहले मौका मिल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।